Hello everyone, welcome to the online session of your school, the Wings Academy. Students, in this video we'll cover first chapter of class 4 of social studies, and the first chapter, that is our earth. Can see students, आप सभी इतना तो जानते ही होंगे कि अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पे लाइफ है. सो वी द ह्यूमंस आर वेरी लकी टू हैव दिस प्लेनेट. हम लोग बहुत लकी हैं कि हम इसे अपना प्लेनेट कैसे कहते हैं, हमारा प्लेनेट अर्थ. और उसी अर्थ के बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो आर अर्थ इज अ वेरी स्पेशल प्लैनेट. इट इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ. द अर्थ हैज एयर, वाटर एंड सॉइल. दीज आर नीडेड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन द अर्थ. दीज आर नॉट फाउंड टुगेदर इन अदर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. स्टूडेंट्स, बुक की तरफ अगर बढ़ते हैं तो इसमें आप पढ़ सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे सॉयल, मिट्टी, वाटर, पानी और एयर, हवा, सब एक साथ मिलते हैं. यही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे ये तीनों चीज़ एक साथ मिलती है. सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम, जैसा कि आपको टेलीग्राम चैनल पे आप कुछ कुछ नोट्स भेजे गए हैं, उसमें आपको प्लैनेट्स सीरियल वाइज, साइज वाइज और भी कुछ डेफिनेशंस भेजे गए हैं. उसमें आपने पहले से ही पढ़ा होगा हमारे प्लैनेट्स के नाम, हमारा सोलर सिस्टम और भी बहुत कुछ, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटियोर और भी बहुत कुछ. सो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे. सो सबसे पहला टॉपिक है द सोलर सिस्टम. द सन इज अ स्टार. द सन एंड द हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम. दीज हेवनली बॉडीज इंक्लूड 8 प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, मेटियोरॉइड्स एंड कॉमेट्स. द सन होल्ड्स ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड गिव्स देम हीट एंड लाइट. सो आपको जो डेफिनेशन भेजे गए थे उसमें पहला था सोलर सिस्टम, उसके बाद स्टार भी थे उसमें. स्टार का डेफिनेशन मैंने आपको भेजा गया था, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा कि स्टार एक ऐसी हेवनली बॉडी है. हेवनली बॉडी क्या होती है? हेवनली बॉडी का आप इस तरह समझ सकते हैं, स्पेस में हर तरह का ऑब्जेक्ट कहलाता है हेवनली बॉडीज. सो प्लैनेट्स, स्टार, मेटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, ये सब क्या है? हेवनली बॉडीज. और स्टार क्या है? स्टार एक ऐसा हेवनली बॉडी है जहाँ पे जिसका खुद का लाइट और हीट होता है. एक बॉल होता है, बॉल टाइप स्ट्रक्चर जो गैस से बना होता है, मोस्टली गैसेस से बना होता है. सो हमारा सन क्या है? एक स्टार है. आप हमेशा याद रखेंगे कि ये सूर्य जो हम लोग देखते हैं वो स्टार है, क्योंकि उसकी अपनी हीट, अपनी एनर्जी और अपनी लाइट है. आप देख सकते हैं. उसके बाद सोलर सिस्टम क्या है? तो यही सन और इसके जो प्लैनेट्स हैं, जो भी प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं आपको पता होगा, 8 प्लैनेट्स हैं. सीरियल वाइज उनके नाम आपके बुक में दिए हुए हैं, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. पहले इसमें प्लूटो भी हुआ करता था, लेकिन कुछ कारणों से उसे इस श्रेणी से, प्लैनेट्स की श्रेणी से हटा दिया गया. सो अब आपको पढ़ने हैं 8 प्लैनेट्स. सो सोलर सिस्टम यही 8 प्लैनेट्स, सन, एस्टेरॉइड्स, मेटियोरॉइड्स, मून्स, कॉमेट्स मिलके क्या बनाते हैं? हमारा सोलर सिस्टम. हम
हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सो आगे बढ़ते हैं। यू नो अबाउट द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स, बट व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? एस्टेरॉइड्स आर लार्ज रॉकी ऑब्जेक्ट्स फाउंड बिटवीन द प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर। आपने मे बी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा मून्स के बारे में। सो मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ आपको। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमारा सन, ये एक तरह से आप हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर मान सकते हैं, और इसकी इसका जो रिवॉल्यूशन करते हैं लोग, वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं वो जिनका खुद का लाइट और हीट नहीं होता है, जो सन के लाइट से चमकते हैं, या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हैं दैट द हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो कि वो हेवनली बॉडी जो सन की सन का चक्कर लगाती है वो प्लैनेट होते हैं। उसी तरह से सिमिलरली द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट आर नोन एज देयर मून्स। जो आप चांद देखते हैं जो आकाश में, वो मून तो है ही, लेकिन ऐसे मून्स हर प्लैनेट के हैं, जैसे कि जुपिटर का भी है, मार्स का भी है, सैटर्न का भी है। इस तरह से आपको आगे आगे आपके क्लासेस में पढ़ने को मिल सकते हैं। सो अभी बस इतना ही जानते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एस्टेरॉइड्स के बारे में। तो एस्टेरॉइड्स रॉकी, दे आर मच स्मॉलर देन द प्लैनेट्स। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, चट्टान जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं फिगर में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स, ये बेल्ट में बेल्ट फॉर्म करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं, और ग्रुप में ही मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉइड बेल्ट्स पाए जाते हैं। ये हालांकि प्लैनेट बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हमारे कंपैरिजन में बहुत बड़े होते हैं। नाउ मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स आर स्मॉलर स्टिल। When a meteoroid enters the Earth's atmosphere, it burns and appears as a streak of light. We then call it a shooting star or meteor. हमने asteroids के बारे में पढ़ लिया, अब meteoroids क्या होते हैं? तो meteoroids भी चट्टान ही होते हैं, जो कि asteroids से भी छोटे आकार के होते हैं। और आपको confusion हो रही होगी यहाँ पे meteoroids और meteor। So जो आउटर स्पेस में चट्टान घूमते होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मेटेरॉइड्स, और जो चट्टान अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है उसे हम लोग कहते हैं मेट्योर। आपने टूटता हुआ तारा देखा होगा, शूटिंग स्टार सुना भी होगा उसके बारे में। कहते हैं लोग कि टूटते हुए तारे से जो विश मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो वो टूटता हुआ तारा क्या होता है? वही चट्टान जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो जलने लगती है, और वो उस दूर से हमें क्या दिखाई देता है? जैसे कि एक तारा टूट रहा हो। सो आप समझ गए व्हाट इज अ शूटिंग स्टार। आगे बढ़ते हैं। मेटियोर्स आर क्वाइट कॉमन एंड यू मे सी वन एट नाइट, लेस कॉमन आर कॉमेट्स। दीज स्मॉल आईसी ऑब्जेक्ट टेक मेनी ईयर्स टू गो अराउंड द सन, व्हेन दे कम नियर द सन दे ग्लो एंड गेट लॉन्ग ब्राइट टेल्स। आप अपने बुक के फिगर में भी देख सकते हैं कॉमेट। हमने मेटियोर पढ़ लिया, मेटेरॉइड्स पढ़ा, एस्टेरॉइड्स पढ़ा, अब हम लोग पढ़ते हैं कॉमेट्स। तो कॉमेट्स और भी छोटे होते हैं, और ये आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बर्फ के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कि स्पेस में घूमते होते हैं और सन के चारों तरफ घूमते होते हैं। और क्या होता है? When they come near the sun, they glow and get long, bright tails.
आप फिगर में देख सकते हैं, नीचे आपके बुक में कॉमेट का फिगर दिया हुआ है, जहां पे आपको चमकता हुआ कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा और साथ ही उसका लॉन्ग सा टेल दिखेगा। सो ये क्या होता है, जब ये आइसी ऑब्जेक्ट सन के बहुत करीब पहुंचता है तो ये जलने लगता है, ग्लो करने लगता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं कॉमेट। मूविंग फॉरवर्ड, द सोलर सिस्टम वॉज वेरी डिफरेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। इट वॉज अ वेरी हॉट प्लेस एंड दैट हैड ओनली गैस एंड डस्ट। ओवर टाइम इट कूल्ड, रॉक्स एंड आइस वर फॉर्म्ड, द रॉक्स जॉइंड टू मेक द रॉकी प्लैनेट्स लाइक द अर्थ, व्हाइल द आइस फॉर्म्ड द आइसी प्लैनेट्स लाइक नेपच्यून। अब आप एक बात समझ लो कि हमारा ये सोलर सिस्टम बना कैसे। हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन का ही हिस्सा है। सन बहुत बहुत पहले से सन, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो गैस से फॉर्म हुआ है सन, जिसके बहुत मिलियन सन मिलियन ईयर्स के बाद वो उसका एक टुकड़ा टूटता है और ठंडा होके कोई पत्थर बन जाता है, चट्टान बन जाता है, रॉकी। वही ठंडा होते होते वो फॉर्म होता है, वो रॉकी जो चट्टान होता है वो फॉर्म होता है प्लैनेट पे। जैसे कि हमारा अर्थ है, बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स पहले ये भी एक जलता हुआ सूरज का टुकड़ा ही था, जो कि सूरज से अलग होने के बाद ठंडा हुआ। बहुत टाइम लगा हालांकि, तो ठंडा होने के बाद ये इस पे पानी, मिट्टी और हवा एक साथ आए, तो यहाँ पे पेड़ पौधे उगने लगे। फिर बहुत सालों के बाद पेड़ पौधे उगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे जीवन पनपा। सोलर सिस्टम आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत पुराना है और हर चीज यहाँ पे सूरज का ही हिस्सा है। जितने भी आप हमने अभी पढ़ा है रॉकी ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि एस्टेरॉइड्स, मेटियोर, मेटेरॉइड्स, ये सभी सूरज का ही हिस्सा है, और इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि ये सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े हुए हैं और इसीलिए उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब जैसे जैसे मैंने अर्थ का एग्जांपल दिया, ऐसे ही आप बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में समझ सकते हैं। जो प्लैनेट सन से बहुत दूर चला गया, जैसे कि नेपच्यून, यूरेनस, ये सब क्या हो गए, आइसी प्लैनेट्स हो गए। यहाँ पे अब सूरज से दूर है तो गर्मी सूरज की तो मिल नहीं पाएगी, और प्लैनेट्स के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा कि अपना खुद का लाइट और हीट नहीं होता है। क्या हुआ, ये लोग बहुत दूर चले गए तो इसलिए यहाँ पे बर्फ जमने लगी और इसे ये आइसी प्लैनेट बन गया। आगे बढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग द अर्थ वॉज वेरी हॉट, स्लोली इट कूल डाउन एंड अ लेयर ऑफ एयर फॉर्म्ड अराउंड इट। क्लाउड्स इन द एयर अबाउट रेन विच फॉर्म्ड ओशंस एंड लेक्स। नाउ द अर्थ हैड एयर, वाटर, सॉयल, इट रिसीव्ड सनलाइट विच प्लांट्स नीड टू मेक फूड। ग्रेजुअली लिविंग बींग्स अपीयर्ड एंड डेवलप्ड टू वॉट दे आर टूडे। यही बात मैंने अभी बताया आपको कि बहुत सालों पहले अर्थ भी सूरज की तरह ही जल रहा था, बहुत गर्म था, बहुत धीरे धीरे ये ठंडा हुआ और एक हवा का परत जो हम बादलों के रूप में देख सकते हैं वो बना। फिर बादलों से क्या हुआ, बारिश आई, बारिश और सनलाइट तो थी ही, जो हमें क्या चाहिए, मिट्टी तो पहले से ही थी, मिट्टी, हवा, पानी, एक लिविंग बींग को ग्रो करने के लिए यही यही चीज़ तो चाहिए। यहाँ पे तीनों मिलने के बाद यहाँ पे प्लांट्स ग्रो किए और उसके बाद लिविंग बींग्स धीरे धीरे आने लगे। हम लोग अर्थ पढ़ते हैं, द अर्थ अ लिविंग प्लैनेट, व्हाई इज देयर लाइफ ऑन अर्थ एंड नॉट ऑन द आउटर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। देयर इज लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट हैज एयर, प्लांट्स विच प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड, इट हैज वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, इट इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच मेक्स इट नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। हैड इट बिन एज क्लोज टू द सन एज मर्करी, इट वुड हैव
been very hot, so that its water would have turned into steam. Had it been as far away as Neptune, it would have frozen to ice. अब आपके दिमाग में ये बात तो आ ही रही होगी कि ऐसा क्यों है कि अर्थ पे ही लिविंग बींग्स हैं, मतलब कि लाइफ है, और भी और प्लैनेट्स हैं उस पर क्यों नहीं है. सो द आंसर इज क्योंकि अर्थ जो है उस पर मैंने भी बताया कि हम तीन चीज पाए जाते हैं जो कि एक लिविंग थिंग्स लिविंग बींग को चाहिए ग्रो करने के लिए, लाइक एयर, वाटर एंड सॉयल. दूसरा कारण हो सकता है कि ये यहाँ पे जो पानी हो है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है. और तीसरा, ये अर्थ जो है हमारा प्लैनेट, ये सन से राइट डिस्टेंस पे है, सही दूरी पे है. जैसे कि हम प्लैनेट के बारे में पढ़ें तो हम लोग देख सकते हैं कि मर्क्यूरी जो है वो सन के बहुत नजदीक है, जो जिसकी वजह से बहुत गर्म है. अगर हमारा आप ये आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारा प्लैनेट मर्क्यूरी के स्थान पे होता, मतलब कि सन के बहुत नजदीक होता, तो क्या होता, हमारा सारा पानी सूख जाता और भाप बन जाता, स्टीम बन जाता. उसी तरह से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारा प्लैनेट अर्थ नेपच्यून के जगह पे होता, सन से बहुत दूर होता, तो वहाँ पे तो गर्मी नहीं होती, लेकिन इतनी ठंडी होती कि सारा पानी बर्फ बन जाता. सो ऐसे में वहाँ पे लिविंग थिंग्स लिविंग बींग्स के लिए पानी नहीं बचता, जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए. इसी वजह से अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ वेयर लाइफ एग्जिस्ट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एयर. The earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. Air is a mixture of gases like oxygen, carbon dioxide and water vapor. Oxygen is needed by plants and animals to breathe. आप समझ सकते हैं कि हमारा जो planet earth है, इसके चारों तरफ एक layer बना हुआ है हवा का, जिसे हम लोग बोलते हैं atmosphere. आगे क्लास में आप पढ़ेंगे तो अलग अग लेयर्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा. अभी आपको बस इतना ही समझना है. और सबसे पहली बात कि एयर क्या है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, मेनी मोर. आगे क्लास में आपको हो सकता है कि इसके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिले कि कितना परसेंट ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना अदर गैसेस हैं, इस तरह से. अभी आपको ये पढ़ना है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. कोई भी अगर आपसे पूछे व्हाट इज एयर, तो आप ये बता सकते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर. ऑक्सीजन हवा, अब देखिए ऑक्सीजन में क्या है, हवा में क्या है, ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन ही क्या चाहिए हमें ब्रीथ करने के लिए, लिविंग थिंग्स, हम ह्यूमंस को ऑक्सीजन चाहिए. आपको तो पता ही होगा प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो एयर में वो भी है. सो यहाँ पे प्लैनेट अर्थ पे एयर एग्जिस्ट करता है, और जिसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जिसकी वजह से ह्यूमंस भी जिंदा रह सकते हैं और प्लांट्स भी. एंड वाटर वेपर इज नीडेड फॉर रेन क्लाउड्स टू फॉर्म. अब इस हवा में वाटर वेपर वॉश भी है, जो यहाँ से हमने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा कि जो नदियों का पानी होता है वो वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाता है आकाश में और बादल फॉर्म करता है, और वही बादल फिर बरस के बारिश करते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर साइकिल चलता रहता है. सो हमने अभी पढ़ा कि एयर में ऑक्सीजन भी है जो कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वाटर वेपर भी है जो कि पानी के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो द एटमोसफेयर मेक्स द अर्थ लिवेबल इन मेनी अदर वेज. इट्स एक्ट एज अ ब्लैंकेट दैट ट्रैप्स हीट. दिस डज नॉट लेट द अर्थ
become too cold at night, it acts as a shield too. For example, it makes most meteoroids burn up before they hit the ground. अब आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो ये एक शील्ड की तरह काम करता है. लाइक जो भी हमें तो पता है कि सन बहुत गर्म होता है, इतना गर्म कि अगर उसके रेज डायरेक्टली अगर अर्थ पे आए तो अर्थ जल जाएगा. और उसी हार्मफुल रेज से बचाता है हमें कौन? एटमॉस्फेयर. जो परत है अर्थ के ऊपर, वो एक ब्लैंकेट की तरह, एक कंबल की तरह काम करता है, जो कि हमें उस हार्मफुल रेज से, सन के हार्मफुल रेज से बचाता है. अभी हमने पढ़ा कि जो मेटेरॉइड्स होते हैं, जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, वो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो जल जाते हैं. अगर वही चट्टान, आप अगर ये सोचो, बड़े बड़े चट्टान अगर पृथ्वी पर डायरेक्टली आए तो पृथ्वी तो रहेगी ही नहीं, पृथ्वी जगह जगह से बर्बाद होती जाएगी. लेकिन हमें उस इन चट्टानों से बचाता है कौन? एटमॉस्फेयर, और हमारा एटमॉस्फेयर और उस उन बड़े चट्टान मेटेरॉइड्स को मेट्योर में बदल देता है, शूटिंग स्टार में बदल देता है. अगला, वाटर. वाटर इज फाउंड, देख सकते हैं अपने बुक में, वाटर इज फाउंड ऑन द अर्थ इन ऑल फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एज अ सॉलिड इट इज फाउंड एज आइस नियर द पोल्स. एज अ गैस इट इज फाउंड एज वाटर वेपर इन एयर, एंड इट इज फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस एंड अंडर द ग्राउंड. इन फैक्ट लिक्विड वाटर एंड आइस कवर अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सर्फेस. आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि हमारी हमारे जो पृथ्वी है, इसका 3/4 हिस्सा सिर्फ पानी से भरा है. और ये पानी तीन फॉर्म में है, हर फॉर्म में है, मैटर के हर स्टेट में है, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड में कैसे? सॉलिड में आइस के फॉर्म में, लिक्विड, लिक्विड तो है ही रिवर्स एंड लेक्स ओशंस में पानी बहता है तो वो लिक्विड फॉर्म में है. और गैस, गैस फॉर्म में हमने भी पढ़ा वाटर वेपर. वाटर वेपर भी तो क्या है? पानी का ही हिस्सा है और पानी ही है जो कि गैसेस फॉर्म में है. सो हमारे अर्थ पे पानी जो है वो मैटर के तीनों स्टेट में अवेलेबल है. That is solid, liquid and gas. What is very important for life? That is why when scientists look for life on other planets, they look for liquid water. All living beings are made up of cells which have water. More than half our body weight is due to water. Our body needs it to work properly. We need water for drinking, cooking, washing, growing crops and so on. Plants need it to make food. आपको मुझे नहीं लगता कि आपको पानी की महत्व, पानी का महत्व समझाना पड़ेगा. आपको खुद ही पता होगा, आप भी इंसान हैं और आप क्या इम्पोर्टेंस है हमारे ह्यूमन लाइफ में. ह्यूमन लाइफ में लाइक हम लोग पानी पीते ही हैं, पीने के लिए तो यूज़ करते ही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, खेत में फसल उगाना, ये सब ह्यूमन लाइफ का ही हिस्सा है, और जिसके जिसमें पानी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो यही इम्पोर्टेंस है वाटर की. जो अगर हमारे साइंटिस्ट, आपने सुना भी होगा कि साइंटिस्ट लाइफ खोज रहे हैं अदर प्लैनेट्स पे. तो अदर प्लैनेट्स पे लाइफ खोजने के प्रोसेस में वो लोग क्या करते हैं? सबसे पहली जो चीज खोजते हैं वो क्या होता है? पानी. पानी की वजह से ही सब है और पानी की वजह से ही लाइफ है. तो अगर किसी प्लैनेट पे पानी ही ना हो तो वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. सो यही वजह है. अगला है सॉइल. द लैंड ऑन द अर्थ हैज अ थिन लेयर ऑफ सॉइल एट द टॉप. मोस्ट प्लांट्स ग्रोज ऑन सॉइल. Soil has finely broken rocks, the remains of dead plants and animals, air, water and many small organisms. The dead plants and animals and many of the organisms in the soil make it fertile, good for growing plants. There are pockets, empty spaces in the soil that holds air and water. Plant roots get air and water from these soil.
इट इज सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, मोस्ट ऑफ आवर फूड इज ग्रोन इन सॉइल. आप ये फिगर देख सकते हैं, इस फिगर में आपको लेयर दिखेगा सॉइल का, अलग अलग लेयर. तो पहला लेयर में आप देख सकते हैं जो हमें ऊपर दिखता है, ऊपरी जो परत होती है सॉइल की, मिट्टी की, वो होता है एकदम थिन पार्टिकल्स. उसके बाद और मोटा, फिर और रॉकी होता जाता है. जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमें चट्टान मिलते जाएंगे. सो सॉइल ही वो, सॉइल भी हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लाइक हम जो फूड अपना, जो फूड उगाते हैं, कल्टिवेट करते हैं, वो कहाँ होता है? सॉइल की वजह से हो पाता है. अगर सॉइल ना हो तो खेती हो पाएगी? नहीं. इसीलिए, और सॉइल क्या होता है? सॉइल में सूखे पत्ते, मरे हुए एनिमल्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये सब सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. फर्टाइल क्या होता है? गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. अगर आपने देखा होगा कि किसान कुछ कहीं पे मिट्टी फर्टाइल होती है, कहीं पे मिट्टी फर्टाइल नहीं होती है. लाइक किसान को अपना ये कहते सुना होगा कि ये मिट्टी उपजाऊ नहीं है, ये ज़मीन उपजाऊ नहीं है. सो वहाँ उपजाऊ क्या होता है? उपजाऊ वो चीज़ है जिसकी वजह से उस सॉइल में उपज होती है, जो खेती होती है. अगर हम मान लो मैंने किसी मिट्टी पे कुछ प्लांट्स लगाए, बीज लगाए, और वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कहूँगा कि वो मिट्टी उपजाऊ नहीं है, फर्टाइल नहीं है. और ये फर्टिलिटी प्लांट से ही मिलती है, एनिमल से मिलती है, बहुत सारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे मिलती है. इसके बारे में आपको आगे क्लास में डिटेल से पढ़ना है. फिलहाल के लिए इतना ही. आप देख सकते हैं कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपको खुद से ट्राई करने हैं. क्वेश्चन आंसर्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए जाएंगे, लेकिन ये ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आपको खुद से ही ट्राई करना है. फिलहाल के लिए इतना ही. जो भी अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आपके डाउट टेलीग्राम चैनल के द्वारा पूरे क्लियर कर दिए जाएंगे. और साथ ही साथ आपको जो टेलीग्राम चैनल पे नोट्स कुछ भेजे गए हैं उसे याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.